रक्त में अगर भीम जो आया नहीं होता, भारत में अगर भीम जो आया नहीं होता, इस देश पे गर जान लुटाया नहीं होता। भारत में अगर भीम जो आया नहीं होता, इस देश पे गर जान लुटाया। किसी का फोन चल रहा हो, कोई आपस में अगर गॉसिप कर रहा हो, तो प्लीज सिर्फ डेढ़ मिनट के लिए फोन छोड़ देना, आपस में बात करना छोड़ देना। पानी, खाना पीना, सांस लेना भी शायद आपको याद नहीं रहेगा, जो बाबा साहब के बारे में, जो बाबा साहब को नमन करने के बारे में आप जो सुनेंगे वो वंदना सिद्धार्थ जी से सुनेंगे। और मैं चाहूंगा कि वंदना सिद्धार्थ जी आए और अपनी कविता से हम सबको एक ऐसी ऊर्जा दें जो कि इस समाज को जरूरत है। ट्रिपल एट कोई थार खड़ी हुई है पीछे, एक गाड़ी वाले को कोई परेशानी हो रही है थोड़ी सी, वो थार जो है 888 मेरे ख्याल से नैन सिंह नैन जी की या योगेश जी की वो गाड़ी है, वो प्लीज पीछे से हटा लीजिए। और मैं जो बात कर रहा था वो डेढ़ मिनट से ज्यादा भी हो सकता है शायद, है ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि सांस लेना भी ध्यान नहीं रहेगा, और मैं चाहूंगा कि वंदना सिद्धार्थ जी और चार कदम आगे आकर के जो बाबा साहब को नमन करती हैं वो जरूर सुने। और नमन करने का जो तरीका है वो भी बहुत अद्भुत है, मैंने स्पेशली इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो वो नमन करती हैं वो हमारे मंच पे जरूर बोलें, और आपके रोंगटे भी खड़े होंगे, ध्यान से सुनेंगे तभी खड़े होंगे, वरना तो शायद हवा बाल जो पंखा चल रहा है उससे बाल भी ना खड़े हों, रोंगटे की तो बात अलग है। वंदना सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत साधुवाद ये अवसर देने के लिए मुझे। सबसे पहले तो मैं अपने समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों, त्यागियों को नमन करते हुए करुणा के सागर, समता, समानता, मैत्री, मानवता, सील, सदाचार, प्राणी उपकार, सत्य, अहिंसा, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, अंत और आदि, प्रज्ञा और समाधि का पाठ पढ़ाकर विश्व को ज्ञान का दिया दिखाने वाले युग पुरुष, युग द्रष्टा, युग प्रवर्तक, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ। साथ ही साथ बहुजन के विधाता, हम सब के मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निडर, निर्भीक, धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को मैं वंदना सिद्धार्थ कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ। साथ ही साथ लाइव लॉर्ड बुद्धा को साधुवाद देते हुए मंच के नीचे जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं हमारे बीच, केपी चौधरी जी और तमाम वरिष्ठ वक्ता और नेता गढ़ बैठे हुए हैं, मैं सबका नाम लूंगी तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ ये जो लोग भी बैठे हैं ना नीचे, ये सब बहुजन समाज के बाबा साहब के सच्चे और जाबाज सिपाही हैं, इतना मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, और आप ही लोगों की वजह से ये मिशन और ये कारवा आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही एक खास शख्स जो मेरे गुरु हैं, मेरे गाइड हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ, जिनकी वजह से मैं बोल पाती हूँ, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली लिखने की, बोलने की, पढ़ने की कविता, मेरे पापा आप सभी के बीच हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। आज कुशीनगर से चल के इस खास प्रोग्राम के लिए आए हैं, चूँकि वक्त ज़्यादा भी हो गया है और भी प्रोग्राम है, मुझे आखिरी में मौका मिला और माहौल कुछ और ही है, लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ कविता, क्योंकि अभी बहुत शोर शराबा और ये मुझे इस चीज़ का मैं रिस्क ले लेती हूँ, क्योंकि ये कविता का मंच तो है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। अपनी कविता शुरू करने से पहले मैं दो मिनट में एक बात बता दूँ कि मैं मेरी कविता सुनाने या गीत गाने का मकसद सिर्फ गीत सुनाना या इंटरटेनमेंट का पर्पज़ नहीं है, मैं
बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए ये करती हूँ। मेरा मकसद है बहुजन समाज के इतिहास को आप सभी से रूबरू कराना। मेरा मकसद है दिशा विहीन युवाओं को दिशा निर्देशित करना। मेरा मकसद है गुलामी और खामोशी के चादर में लिपटे हुए समाज को जगाना। और मैं समझती हूँ कि युवा पीढ़ी के कंधों पर ये जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो मैं आपको अपने इतिहास से रूबरू कराती हूँ। शुरू करती हूँ। हेलो हेलो। कि भारत की धरती अपनी है, भारत की धरती अपनी है, जय भीम की नीति अपनी है। अब भी तक्षशिला और नालंदा की हर आकृति अपनी है। तक्षशिला और नालंदा का इतिहास तो आपको पता ही होगा कि वो भारत की धरती अपनी है, जय भीम की नीति अपनी है। वो तक्षशिला और नालंदा की हर आकृति अपनी है। दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में बुद्ध की संस्कृति अपनी है। कुछ पल के पतझड़ को छोड़ो, कुछ पल के पतझड़ को छोड़ो, ये पूरी प्रकृति अपनी है। कुछ पल के पतझड़ को छोड़ो, ये पूरी प्रकृति अपनी है। और बाबा साहब की एक कोटेशन याद आती है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास बना नहीं सकता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रविदास कबीर बिरसा मुंडा, नारायण गुरु ज्योति बारा। म्यूजिक म्यूजिक बंद करें प्लीज। के रविदास कबीर बिरसा मुंडा, नारायण गुरु ज्योति बारा। वो ललई सिंह पेरियार साहू, वो ललई सिंह पेरियार साहू, वो बाबा अम्बेडकर भीमराव। वो ललई सिंह पेरियार साहू, वो बाबा अम्बेडकर भीमराव। वो सिख फातिमा झलकारी, वो सिख फातिमा झलकारी, मारा मा सावित्री अपनी है। वो सिख फातिमा झलकारी, मारा मा सावित्री अपनी है। जो दे गए काशी राम यहाँ, बहुजन को ख्याति अपनी है। जो दे गए काशी राम यहाँ, बहुजन को ख्याति अपनी है, जय भीम की नीति अपनी है। और अगली पंक्ति पढ़ती हूँ कि वो कहते हैं हम सुनते हैं, वो कहते हैं हम सुनते हैं, जो जीता वही सिकंदर है। जो हमें सुनाया गया वो एक लाइन याद आ रही है कि कहानी है कुछ और बताई कुछ और जा रही है, इतिहास है कुछ और सुनाई कुछ और जा रही है। तो मैं पढ़ती हूँ कि वो कहते हैं हम सुनते हैं, जो जीता वही सिकंदर है। पर चंद्रगुप्त साबिर नहीं पूरी दुनिया के अंदर है, पर चंद्रगुप्त साबिर नहीं पूरी दुनिया के अंदर है। था जिससे सिकंदर हार गया, था जिससे सिकंदर हार गया, ऐसी गतिविधि अपनी है। था जिससे सिकंदर हार गया, ऐसी गतिविधि अपनी है। और जो घनानंद को ध्वस्त करे जिंदा रणनीति अपनी है। जो घनानंद को ध्वस्त करे जिंदा रणनीति अपनी है। और इस कविता की आखिरी पंक्ति पढ़ती हूँ। मैं समझती हूँ कि आप मेरी कविता बहुत डूब के सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इतना भी डूब के ना सुने कि मेरी कविता ही डूब जाए। ठीक, मैं पढ़ती हूँ। के दानी हर्षवर्धन सा जग में, के दानी हर्षवर्धन सा जग में, शायद कोई ज्यादा ना होगा,
दानी हर्षवर धन सा जग में शायद कोई ज्यादा ना होगा। अब हेन सांग सा भिक्षु भी लगता है पैदा ना होगा। अब वेन सांग सा भिक्षु भी लगता है पैदा ना होगा। और एक ऐसे वीर के लिए मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप सब सुनेंगे। उस कलिंग विजय करने वाले अशोक की थाती अपनी है। उस कलिंग विजय करने वाले अशोक की थाती अपनी है। जिसके बलबूते विश्वगुरु दुनिया में उपाधि अपनी है। जिसके बलबूते विश्वगुरु दुनिया में उपाधि अपनी है। जय भीम की नीति अपनी है। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इसी कड़ी में मैं एक और कविता से आप तक पहुंचती हूँ। एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ बस आप सभी को, जो ये आज हम सब यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे महंगे कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। अभी हमारे बीच मोस्ट ब्यूटीफुल कपल रैंप वॉक भी होगा, आप देखेंगे। तो इसके पीछे हमारा इतिहास क्या रहा, इसके पीछे कुर्बानियाँ क्या रही हैं, मैं वो थोड़ा सा तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। थोड़ा सा फ्लैश बैक में आपको लेके जाना चाहती हूँ कि अगर बाबा साहब नहीं होते, अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता। आप बस कल्पना करिएगा एक बार मेरी कविताओं से आप तक पहुंचती हूँ, चार चार पंक्तियों से, छोटी छोटी पंक्तियों से पहुंचती हूँ मैं। के भारत में अगर भीम जो आया नहीं होता, भारत में अगर भीम जो आया नहीं होता, इस देश पे गर जान लुटाया नहीं होता। भारत में अगर भीम जो आया नहीं होता, इस देश पे गर जान लुटाया नहीं होता। जो दिख रही है देश की तस्वीर क्या होती, आप सोचो जरा दलितों की क्या स्थिति होती, महिलाओं की क्या होती। जो दिख रही है देश की तस्वीर क्या होती, संविधान भीम ने जो बनाया नहीं होता। जो दिख रही है देश की तस्वीर क्या होती, संविधान भीम ने जो बनाया नहीं होता। और अगली पंक्ति पढ़ती हूँ। एक बहुत ही भयानक दृश्य आप कल्पना कर सकते हैं। आज के हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको ज्यादा समझ में नहीं आती है ये बात, मैं उनसे खास करके कहना चाहती हूँ कि जूठन से भूख पेट की तब पड़ती मिटानी, जूठन से भूख पेट की तब पड़ती मिटानी, पशुओं के भी तालाब से मिलता नहीं पानी। जूठन से भूख पेट की तब पड़ती मिटानी, पशुओं के भी तालाब से मिलता नहीं पानी। मकान के स्थान पे तब झोपड़ी होती, मकान के स्थान पे तब झोपड़ी होती, और सूट के जगह पे होती धोती पुरानी, और सूट के जगह पे होती धोती पुरानी। और क्या होता, घोड़े से कभी दूल्हा तब बारात ना जाता, दूल्हे से कभी दूल्हा तब बारात ना जाता, मूछों पे अपने भूल कर भी ताव ना लाता। घोड़े से कभी दूल्हा तब बारात ना जाता, मूछों पे अपने भूल कर भी ताव ना लाता। और जबरन उठा ली जाती आज भी नवेलियाँ, जबरन उठा ली जाती आज भी नवेलियाँ, कोई जान के भी जान बचा भी नहीं पाता। शुक्रिया।
पूरी तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी दो पंक्तियां आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए जब मैं इस मंच पे आके खड़ी हूँ। तो हालांकि ये पूरी कविता नहीं है, मैं दो ही पंक्तियां और सुना के अपनी अपना स्थान लूंगी। कि रानी के पेट से भी राजा आज भी होता, रानी के पेट से ही राजा आज भी होता, तब तख्त भी होता उन्हीं का ताज भी होता। रानी के पेट से ही राजा आज भी होता, तब तख्त भी होता उन्हीं का ताज भी होता। मोहताज बन के जी रहे होते हम आज भी, गर भीम ने किया उनका इलाज ना होता। और एक आखिरी पंक्ति मैं पढ़ती हूँ कि हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, कि हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। चूंकि शुक्रिया शुक्रिया, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है तो मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।